हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रूमिंग योर सेल्फ मैंस। मैं हूं आपका यार, आपका भाई और आपका ही दोस्त आशीष। जी हां दोस्तों, मैं आज फिर एक इंटरेस्टिंग से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आज के जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, प्रीमैच्योर हेयर ग्रे होने से पहले कैसे आप उसको रोक सकते हैं, कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं। मेरे बहुत सारे यार दोस्त भाई और मेरे क्लासमेट कलीग्स भी मैं देखता हूँ कि वो 20-22 ईयर्स के आसपास उनकी एज है और उनके बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हो गए हैं, जो कि आपके लुक में एक बहुत ही ख़राब इफेक्ट डालता है, जो मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी यार दोस्त ऐसा दिखे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, जस्ट मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस बंदे को पहली बार आप देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे अपकमिंग नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस चैनल पे मेंस फैशन, ग्रूमिंग, लाइफ स्टाइल और हेयर स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज लेके आते हैं। हम फैशन के नए नए आइडियाज आपको देते हैं, बहुत सारे रिव्यू भी इस चैनल पे करते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जो प्रीमैच्योर हेयर ग्रे की प्रॉब्लम है, उसका जो मेन रीज़न है जेनेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, आपके जेनेटिक्स का इफेक्ट भी आपके हेयर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप ये बात एक्सेप्ट करें या ना करें, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जेनेटिक्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपके हेयर पे पड़ता है। अगर आपके मम्मी पापा के हेयर बहुत जल्दी ग्रे हो गए हैं, बहुत जल्दी वाइट हो गए हैं, तो बहुत हद तक आपके साथ भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके हेयर भी बहुत जल्दी ग्रे हो जाएंगे। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, आप इसको कम नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ज़रूर इसको कम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को वहीं पे रोक सकते हैं एक एज के पहले। इसका जो सेकेंड रीज़न है वो है स्ट्रेस लेना। हम लोग अपने डेली लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या तो पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, या तो अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, उसके कारण भी हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, अगर हमको एक अच्छी हेल्थी लाइफ स्टाइल जीनी है तो स्ट्रेस को कम करना होगा। और जो थर्ड रीज़न है वो है स्मोकिंग। जी हाँ दोस्तों, आज का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा सुट्टा मारने पर भरोसा रखता है, तो आपको सुट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। आपको सिगरेट जो पीने की आदत है, उसको धीरे धीरे कम करिए। अगर इकट्ठा कम नहीं हो पा रहा है, ये आप अपने लाइफ के साथ खुद खिलवाड़ कर सकते हैं। इसके आपके लंग्स भी डैमेज होंगे, ग्लोइंग स्किन और चमकदार हेयर आप बिल्कुल नहीं पा सकते जब तक आप सुट्टा नहीं छोड़ते हैं। तो ये तो हुई बात इसके कॉज की, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि हमको अपने डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या करना है जिससे हम प्रीमैच्योर ग्रेनेस की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब हेयर की बात आती है तो आती है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात हो या आपकी बात हो, हम लोगों का एक हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं होता है, एक प्रॉपर रूटीन नहीं होता है, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो सोने की बात हो, या फिर मॉर्निंग में सुबह उठने की बात हो। तो हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना होगा, अपने डाइट पे ऐसे चीज़ों को ऐड करना होगा जिससे पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन्स मिले। हमको फ्रूट और सैलेड को भी डेली लाइफ स्टाइल में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रूट और सैलेड में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो हमारे हेयर्स और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज देते हैं। ये तो ही बात हेल्दी लाइफ स्टाइल। इसके बाद जो सेकेंड टिप है कि ऑलमोस्ट समर आ चुका है, हम देखते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप रहता है और धूप हमारे बालों को बहुत ज़्यादा हार्म और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बिना कोई प्रोटेक्शन के ही धूप पे बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। यही हमारे अर्ली एज हेयर ग्रे होने का एक मेन रीज़न होता है। हमें धूप से थोड़ी सी बचना चाहिए, और जो पीक टाइम है 10 AM to 2 PM, ऐसे पीक टाइम में हमें बिल्कुल भी धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जो हमारे बालों को सीधे इफ़ेक्ट करता है। उससे निकलने वाली यूवी रेज भी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। इसके लिए हम सिंपल सा ये कर सकते हैं कि हम एक कैप पहन सकते हैं, या फिर एक स्टॉल या टॉवेल से हम अपने बालों को अच्छे से कवर करके धूप में जा सकते हैं, जिससे हमारे बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे और हमारे बालों को प्रोटेक्शन भी मिलेगा, जिससे हमारे स्कैल्प पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेंगे और हमारे बालों को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जो तीसरी चीज़ है वो है कि हम अपने डेली लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ऐड करके भी अपने हेयर को ग्रे होने से बचा सकते हैं। हमें दिन में कम से कम 7 to 8 liter पानी को पीना है, जिससे हमारे बालों में एक अच्छा सा नेचुरल साइन भी आ जाएगा और बाल अच्छे से रिपेयर होते रहेंगे, क्योंकि पानी एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए।
अब हम अपने नेक्स्ट टिप की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे हेयर को ऑयलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है, जब हम खाना खाते हैं तभी कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हमें वहीं से एनर्जी मिलती है। वैसे ही सेम हमारे बालों को भी ऑयल से ही एनर्जी मिलती है। ऑयल हमारे बालों के लिए खाने के ही समान है, इसलिए उसे खाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि प्रॉपर वीक में ऑयलिंग नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा डर्ट पॉल्यूशन हमारे बालों में ऐड होते रहता है और हमारे बाल डैमेज होते रहते हैं। पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वीक में एक या दो बार आप ज़रूर अपने बालों में ऑयलिंग करें और प्रॉपर उसे 5 मिनट तक मसाज करें। ऑयलिंग करने से आपके स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और जो अनवांटेड हेयर फॉल या फिर हेयर ग्रेनेस की भी प्रॉब्लम होती है वो भी कम हो जाती है। वो हमारे बालों को रिपेयर करता रहता है और उसे पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हमारे बालों को जो भी मेन न्यूट्रिशन मिलता है वो ऑयलिंग से मिलता है। आप कोई भी अच्छी सी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं जो ऑयल यूज़ करता हूँ वो आपको सजेस्ट कर देता हूँ। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। आप उसे कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं या फिर आप कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके, ऑलिव ऑयल तीनों को मिक्स करके भी अपने हेयर को अच्छे से मसाज कर सकते हैं। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी और शाइनी हो जाएंगे। जो नरिशमेंट की ज़रूरत होगी आपके बालों को इस ऑयल से मिल जाएगी। तो आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेस्ट है, कोई पेड प्रमोशन मैं कर नहीं रहा हूँ, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, बस आपको ये लगे कि हाँ ये अच्छा होना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ऑयल का, आप वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। ऑयल के बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो है शैम्पू का। जी हाँ दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त इसको स्किप कर देते हैं कि अपने बालों पे शैम्पू नहीं करते हैं, कोई भी सोप उठा लेते हैं और उसी से अपने बालों को वॉश करते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना। सोप आपके बालों के लिए नहीं बना है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल यूज़ होते हैं तो आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं, इससे ही आपके हेयर जल्दी ग्रे हो सकते है। तो आपको सोप को किनारे करना है। कोई भी मॉइल्ड या फिर अच्छा शैम्पू जिसमें SLS और पैराबीन ना हो आप ऐसे शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। आपको वीक में एक या दो बार ज़रूर शैम्पू करना है। मैं पर्सनली वीक में एक बार संडे टू संडे ज़रूर शैम्पू करता हूँ और एक बार ऑयलिंग ज़रूर करता हूँ। मैं कुछ शैम्पू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। आपके हेल्थ के लिए कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। शैम्पू करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपके स्कैल्प अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। ऑलमोस्ट समर आ चुका, बहुत ज़्यादा स्वेट और डर्ट और पॉल्यूशन आपके स्कैल्प पे जमा हो जाते हैं, तो इसको वॉश आउट और रिंस ऑफ करने के लिए आपको शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है। आपके स्कैल्प को अच्छे से वॉश कर देता है और बिल्कुल नीट क्लीन कर देता है। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो ज़रूर आप उसे अपने डेली लाइफ स्टाइल में ऐड कर लीजिए। अब शैम्पू के बाद मैं बात करूं कंडीशनर का। यह शैम्पू के बाद सेकेंड स्टेप होता है। आप शैम्पू करके ही अपने बालों को बिल्कुल नहीं रहने दें, उसके बाद कंडीशनर जरूर अप्लाई करें। अब आपको लगेगा कि यार कंडीशनर का क्या यूज़ है, ये आप एक्स्ट्रा खर्चे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, कंडीशनर आपके बालों को नरिश करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके बाल को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और बहुत ज़्यादा स्मूथ लगते हैं, उसका मेन रीज़न है कंडीशनर। आप कंडीशनर जब अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिक इफेक्ट दिखेगा, आपके जो पहले के हेयर हैं और अभी के हेयर में आपको डिफरेंस दिखेगा कंडीशनर अप्लाई करने के बाद। तो आप कोई भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। मैं लोरियल और वाओ का कंडीशनर ही मेन यूज़ करता हूँ, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वह भी बहुत अच्छे कंडीशनर है, आप उसे भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। आप इन सब बातों को फॉलो करके कैसे अपने हेयर ग्रेनेस की प्रॉब्लम को धीरे धीरे कम कर सकते हैं या फिर आप उसको बिल्कुल ही स्टॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी ये 23 ईयर है और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आज 4 to 5 ईयर से अपने डेली हेयर केयर रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वही हेयर केयर रूटीन से मेरे बाल अच्छे हैं, मैंने एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया है। हेयर स्टाइल बनाना तो खैर मोर सभी लड़कों को पसंद होता है, तो आपको भी पसंद होगा। पर जब हेयर स्टाइल में वाइट हेयर आ जाते हैं ना, तो आपके लुक को बहुत ही ज़्यादा डाउन कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप स्मार्ट ना लगें, आप बिल्कुल स्मार्ट लगें। मेरे टिप्स फॉलो करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, बहुत हुआ प्रमोशन,
अब फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब कंडीशनर के बाद मैं एक बोनस टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप इन 5 टिप्स को डेली फॉलो करें, ये आपके हेयर ग्रे होने की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल कम कर देगी और ऑलमोस्ट इसे ख़त्म कर देगी, या फिर आपके अगर हेयर ग्रे की प्रॉब्लम अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है तो वहीं पर रुक जाएगी। तो इन चीज़ों को फॉलो कर, एक प्रो टिप्स मैं आपके साथ देना चाहता हूँ, आप ट्वाइस ए मंथ ज़रूर एक मास्क का यूज़ करें अपने हेयर पे। अब आपके सामने ये बात आ गई कि मास्क, कौन सा मास्क यूज़ करना है, वो कोरोना वाला मास्क तो नहीं दोस्तों, कोरोना वाला मास्क बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा मास्क यूज़ करना है। आपको एग मास्क यूज़ करना है, आपको अंडे लेने हैं अपने मार्केट से, जितने भी आपका हेयर लेंथ है उसके हिसाब से एक दो ले सकते हैं। उसे एक बॉयल पे रख के आप अपने हेयर पे अच्छे से मसाज कर सकते हैं और उसे मंथ में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब एग आप अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे, उसको वॉश करने के बाद आपके बालों में एक अलग सा साइन होगा, एक अलग सा स्मूथनेस आपके बालों में आ जाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई भी हैं तो ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है। एग आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है, तो एग को आप बिल्कुल मिस नहीं करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल की प्रॉब्लम है, जैसे बहुत लोगों को रहता है, तो आप उसके साथ कर्ड भी मिक्स कर सकते हैं। अब मैं एक आर्टिफिशियल मास्क की बात करूंगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं घर में, तो आप मार्केट से एक आर्टिफिशियल मास्क भी ले सकते हैं। मैं जो मास्क यूज़ कर रहा हूँ वो है हिमालय का प्रोटीन हेयर क्रीम। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं उसकी कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है। यह आपके बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है और यह बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 80 रुपये के अराउंड आपको आ जाता है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं मंथ में एक बार जरूर। आपको इसके लगाने के बाद आपके बालों में डिफरेंस समझ में आएगा, आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। तो ये हुई बात दोस्तों कंप्लीट ग्रे हेयर के प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। मैंने आपके साथ ये सारे टिप्स शेयर किए हैं, आप इन्हें ज़रूर फॉलो करिए अपने डेली रूटीन पे। आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके आप बता सकते हैं रहा आपका एक्सपीरियंस। आपको मेंस फैशन ग्रूमिंग लाइफस्टाइल हेयर केयर से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता दें, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो इस चैनल पर लेके आऊँगा। क्योंकि मेरा एम है आपको ग्रूम करना, अपने आप को ग्रूम करना, इस फैशन लाइफस्टाइल की दुनिया में आपको एक लेवल आगे लेके जाना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बगल के बेल आइकॉन को भी हिट करिएगा, जिससे आप अपकमिंग नोटिफिकेशन को मिस नहीं करेंगे।